अटल बिहारी वाजपेयी देश के एकमात्र ऐसे नेता थे जो अपनी पार्टी में ही नहीं बल्कि विपक्षी पार्टियों में भी समान रूप से सम्मानीय रहे। भारत रत्न से सम्मानित अटल राजनीति गलियारों में भी सदैव के लिए अटल रह गए। हालांकि जिनके संकल्प से झारखंड राज्य का निर्माण हुआ, आज उसी राज्य के लोग उनकी आलोचना करने के पीछे नहीं हट रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। आप लोग कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी बहुत अच्छे नेता थे, मैं कहता हूं कि उनसे घटिया नेता कोई दूसरा इस देश में नहीं था। अगर अटल बिहारी वाजपेयी अच्छा नेता थे तो ओबीसी के ऊपर क्रिमिलियर क्यों थोप दिए? क्या था क्रिमिलियर? क्रिमिलियर ये था कि ओबीसी समाज का जो लोग अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं उनको आरक्षण ना मिले, इसलिए क्रिमिलियर के दायरे में उसको ला दिया। और ओबीसी समाज का जो लोग, जो परिवार अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते उनको आरक्षण मिलेगा। जो पढ़ेगा ही नहीं वो आरक्षण कैसे लेगा? और जो पढ़ेगा, जो आरक्षण का लाभ ले सकता है, उसको आप क्रिमिलियर के दायरे में ला करके बर्बाद कर दिया। तो ये सब अच्छे चेहरा का मुखौटा थे, अच्छे लोग नहीं थे। अब हमारा समाज धीरे धीरे जाग रहा है। आज अटल बिहारी वाजपेयी पर, आज मोदी जी को लीजिए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। एक तरफ वैसे लोगों को 10% आरक्षण मोदी जी ने दिया जिनको आरक्षण की जरूरत नहीं था, लेकिन जिसको आरक्षण की जरूरत है उनके सरकारी विभाग को एक एक करके निजीकरण में बदलते जा रहे हैं। सब सरकारी विभाग को प्राइवेट हाथों में बेचते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे आरक्षण को समाप्त कर देना चाहते हैं। आरक्षण क्या है? आरक्षण भीख नहीं है, आरक्षण अधिकार नहीं है, आरक्षण सुरक्षा कवच है जो द्रोणाचार्य से हमको बचाता है। आरक्षण हमारा सुरक्षा कवच है जो हमारे बच्चों को द्रोणाचार्य से बचाता है। और ये ये आरक्षण रूपी कवच को ये लोग धीरे धीरे मोदी सरकार समाप्त कर रहा है। यहाँ पर हेमंत सोरेन से के भी हम खिलाफ हैं। हेमंत सोरेन ने जो भी नया रोस्टर लागू किया आरक्षण का, 7 जिला में ओबीसी को 0% कर दिया और बाकी जिला में न्यूनतम % कर दिया। हेमंत सोरेन भी वही गलती कर रहे हैं जो दिल्ली में बैठ के मोदी जी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये हमारा पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, तेली समाज दोनों को सबक सिखाएगा। माना कि देश में बोलने की आजादी है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि चमड़े की जीभ से कुछ भी बोल दिया जाए। ये सुनील साहू है। एक वक्त था जब बीजेपी का झंडा ढोते थे, लेकिन अब लोकहित अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ओबीसी आरक्षण पर बोलते बोलते पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को एक घटिया नेता बोल गए। आप लोग कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी बहुत अच्छे नेता थे, मैं कहता हूं कि उनसे घटिया नेता कोई दूसरा इस देश में नहीं था। कहावत है कि चेहरा अच्छा न भी हो तो कम से कम बात तो अच्छी करनी ही चाहिए। चेहरे पर तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन बात सुनील साहू ने बिल्कुल अच्छी नहीं की। और अब इस मामले में बीजेपी और कांग्रेस दोनों कड़े शब्दों में साहू जी की निंदा कर रहे हैं। ये व्यक्ति हैं झारखंड विकास मोर्चा से भाजपा में शामिल हुए थे। इनकी मनसा और अपेक्षाएं कुछ और रही होंगी, जब पूरी नहीं हुई तो पार्टी छोड़कर चले गए। अब अटल बिहारी वाजपेयी जैसे शख्सियत पर इस तरह के घटिया आरोप लगाना, मैं समझता हूँ कि इनके बौनेपन का ये परिचायक है। क्योंकि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, विरोधी दल के लोग भी अटल जी का नाम श्रद्धा भाव से, बड़े आदर से लेते हैं। कोई सिरफिरा व्यक्ति, वाचाल व्यक्ति ही इस तरह की हिमाकत कर सकता है कि अटल जी के खिलाफ ऐसा कहे कि अटल जी बहुत ही घटिया व्यक्ति थे। मैं समझता हूँ कि अगर ये व्यक्ति अगर पकड़ में आ जाए तो हमारे कार्यकर्ता उसका उचित सम्मान भी कर देंगे। इसलिए ऐसे लोग सचेत रहें, कभी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के आसपास दिखे भी नहीं। वाजपेयी जी का जो व्यक्तित्व था उस व्यक्तित्व की तुलना नहीं की जा सकती है। ठीक है, वो अलग पार्टी में थे, उनकी नीति अलग थी, लेकिन स्वाभाविक तौर पे दूसरा वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी में और कोई नहीं था। वाजपेयी जी एक महान शख्सियत थे और हमें ये लगता है कि राजनीति से परे हट करके भी कुछ लोग हैं इस देश में जिनको सम्मान दिया जाना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात कर लें, लाल बहादुर शास्त्री की बात कर लें, अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर लें, तो ये लोग एक ऐसी शख्सियत थे जो राजनीति से परे थे। और वाजपेयी जी की शख्सियत एक कवि के रूप में भी और देश के एक जन नेता के रूप में भी वाजपेयी जी का इज्जत और श्रद्धा जो है इस देश की तमाम आवाम जो है करती है। अटल बिहारी वाजपेयी भले ही प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन उनकी कविता, विचार, व्यक्तित्व आज भी करोड़ों भारतवासियों के दिल में।
सुनील साहू खुद का बयान अगर सुनेंगे तो शर्मिंदगी के सिवाय शायद उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। बोलने की आजादी कभी कभी भारी भी पड़ जाती है, ये सुनील साहू को ध्यान में रखना चाहिए। रांची से लाइव 7 टीवी के लिए विशाल भारद्वाज की रिपोर्ट।